अरे देखते क्या, पकड़ लो मास्टरनी को। अंदर चलो, अंदर चलो। बड़ा देश सेवा करने का शौक है ना इनको। बैठो, फड़फड़ाओ मत ज्यादा। छोड़ो मुझे, कोई है? यो, बहुत तकलीफ हो रही है ना। मैं औरत जात पर हाथ नहीं उठाता। मर्द पुलिस वाले का औरत जात पर हाथ उठाना गैर कानूनी है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। बहुत रोब झाड़ रही थी, बहुत लंबे लंबे भाषण दे रही थी ना। यहां पड़े पड़े तेरी सारी हेकड़ी तेरे आंसुओं में बहने वाली है। अरे दो कौड़ी की मास्टरनी, बच्चों को काखा का पढ़ाने की औकात नहीं है तो पुलिस वाले को कानून सिखाएगी? इधर ही सड़ चल रहे। मेरी बन्नू, ब्याह जो किया है तूने, चल उठ। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, झगड़ा करता है वो मुझसे, बहुत अकड़ू है। जाने क्या समझता है अपने आप को, तोरण मारा तो ऐसे घूर के देखा जैसे कोई किला जीत लिया हो। क्या करूं मैं इस छोरी का, अकड़ू होके पकड़ू। अब वही तेरे साथ रहेगा और हर रोज झगड़ा करेगा। सच्ची बोल रही ताई जी, उसके साथ रहना पड़ेगा। अरे अभी नहीं मेरी बिंदनी, ये फूली है ना, ये तेरी फिरकी ले रही है। 5 साल बाद होगा तेरा गोना, अभी तो बस रीति रिवाज पूरे करना है। तुझे तो बस जनवासी तक ले जाएंगे, वापस ले आएंगे। मुझे जनवासी तक भी नहीं जाना। तुझे तो जाना ही पड़ेगा। बोल दिया ना, नहीं, पागल है वो, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। देख चल, ब्याह देखेगी हाँ? चुप चुप के ब्याह देखने का शौक सवार हो रहा है? पैर में कांटे चुभ गए थे जो वहां पे चली आई हाँ? क्या हो गया कृष्णा? अरे बिचारी चुप कर ही तो देख रही थी, किसी के सामने तो नहीं गई, क्यों खामोखा उस पे चिल्ला रही हो तुम? हाँ, मैं तो एक पूरे संसार में बुरी हूँ जो थारी बहन के ऊपर चिल्लाती रहती हूँ। थारे से ना कोई कुछ कहे है, सारे गांव वाले मारे को 4 बातें आके सुनाते हैं। भाभी हूँ, माँ होती तो और बात थी। और ये छोरी, ये उठ उठ, तारे को रत्ती भर भी अकल ना है, इतना भी ना सोचे है कि कोई अपने घर के शुभ काम में अपशगुन होने देगा। अरे बच्ची ना है तू जो थारे को बार बार ये बात समझानी पड़े। एक बात कान खोल के सुन ले कि पति की छोड़ी हुई पिंदड़ी और विधवा में कोई फर्क ना होवे। सूरत ना देखना चाहे है कोई, समझी? बस कृष्णा, ज़बान खोलने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। भगवान के लिए थोड़ा सा लिहाज करो। तू तो समझदार है रानी बेटा, तुझे तो सोचना चाहिए कि तू ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे लोग तुझ पर और तेरे परिवार पर उंगली उठाएं। चल, रोना बंद कर,
बंद कर बेटा रोना। हाँ मर गए सब लोग। कब से फोन बज रहा है यार, को फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? सुधर में बोले नहीं है लो। हेलो कौन बोल रहा है? काम चोर साले, एक नंबर के निठल्ले हो तुम लोग सबके सब। कुछ होने वाला नहीं है तुम लोगों से। अरे तू जीप निकाल जल्दी से, तू चल मेरे साथ, इससे पहले मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचे उसे रोकना पड़ेगा। अरे सरपंच जी। क्या हुआ सरपंच जी? वो थानेदार साहब का फोन आया है, वो मास्टरनी भाग गई। क्या कहा? मास्टरनी भाग गई? उसे बंद करके रखा था ना, निकल गई वहां से। थानेदार जी ने कहा है कि आप लोग सतर्क रहें, अगर वो यहाँ आए तो उसे जबरदस्ती रोक के रखिएगा, जाने ना दीजिएगा कहीं। अच्छा ठीक है, तू चल जा 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 यहाँ से। हे भगवान, अब कहीं होगा? तू क्यों चिंता में मरी जा रही भगवती? एक तरह से तेरी छोरी पराई हो गई है, अब उसके सासरे की जिम्मेदारी है, अब वो ही संभालेंगे। बींदनी अपने सीधे पैर से कलश को गिरा और आगे बढ़ के थाल में पांव रख, आगे बढ़ जा। इस थाल में? अरे मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। आनंदी चुप बोले वो कर। अरे पगली, बींदनी को घूंघट में बैठना पड़ता है। अब बींदनी को उसके मायके भिजवा दो। अभी सुबह तक रहने दीजिए ना मासा। अरे क्यों मुसीबत का घंटा गले में बांध रही है सुमित्रा? अपने घर वालों के बिना रह पाएगी ये छोटी सी छोरी है? आधी रात में माँ की रट लगाएगी तो कौन छोड़ने जाएगा? तू छोड़ने जाएगी? जान देना।